जीत का मंत्र। बात उस समय की है जब ईशा पांचवी कक्षा में थी। वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा का दबाव बहुत था। ईशा ने हमारे हमेशा की तरह स्वर्ग स्थान पाने के लिए जीतो मेहनत की ठान ली। इस दिशा में काम ही शुरू हो गया। योजना बनी। सप्ताह के कौन से दिन किस विषय को कितने घंटे समय दिया जाएगा, किस विषय को कौन कौन सी सहायक पुस्तक मंगवाई जाएगी, लिखित अभ्यास के लिए पाठों के मुख्य प्रश्नोत्तर बनाए जाएंगे आदि सब तैयारियां कर ली गई। ईशा ने क्या क्या करने की तैयारी के साथ साथ क्या क्या नहीं करना है की भी एक सूची बना डाली। टीवी न देखने से लेकर शाम को बैडमिंटन और जैसे खेल पर पूरी तरह से पाबंदी भी इसमें शामिल रही। सब कुछ ठीक चल रहा था। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे तभी ईशा को बुखार ने जकड़ लिया। पुस्तक और बिस्तर की खींचा तानी में बिस्तर ही ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने पर भी 10 में से 6 दिन बिस्तर पर ही गुजर गए। उसके बाद कमजोरी, छटपटाहट और घबराहट ने कुछ तो पढ़ाई की गति पर अंकुश लगाए रखा और कुछ मेहनत की फसल के मनचाहे तरीके से लहराना पर परीक्षा प्रारंभ हुई। सारे साल की मेहनत अपना असर दिखा रही थी। पहली परीक्षा बहुत सरलता से पूरी हुई तो टूटा हुआ आत्मविश्वास जमने लगा। एक के बाद एक सभी विषयों की परीक्षा बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई। ऐसे ईशा को लग रहा था। परीक्षाओं को ढंग से ईशा को लग रहा था कि वह संभवत कक्षा में स्वच्छ स्थान पर लेगी। पर स्थान पर साथ ही साथ मन में एक गांठ ये भी थी